नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर काफी अग्रेसिव हो चुके हैं। हर मंच से हर मौके पर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। तो दूसरी तरफ मिर्जापुर में भी जब सीएम छानवे विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने लोगों को अपने संबोधन में कहा कि जिन लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया आप उन्हें एक एक वोट के लिए तरसाइए। इन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। आखिर यहां पे भारत सरकार टैंकर से पानी भेज रही थी, समाजवादी पार्टी सरकार टैंकर को लेने से इनकार कर दी थी। प्यासा यहां के लोगों को छोड़ा था। हमारे यहां पे मान्यता है कि प्याऊ लगाया जाता है लोगों को पानी देने पीने के लिए, कोई भी आ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं पूछा जाता। हमारी योजनाओं का आधार किसी का चेहरा देख करके नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक ही मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। हम तो उसी बात को लेकर के चले। हमने मकान देने में किसी का चेहरा नहीं देखा, हर जरूरतमंद को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को योजनाओं के साथ सीधे जोड़ने का कार्य हुआ। लेकिन ये लोग अवसरवादी लोग हैं, ये लोग परिवारवादी सोच के लोग हैं। इन लोगों के मन में विकास की कोई, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई कार्य योजना नहीं, इनकी अपनी एक कार्य योजना है। और कार्य योजना के तहत ये लोग युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वा करके उन्हें समाज और राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर अग्रसर करने का कुत्सित प्रयास करते। इन लोगों ने आपको एक एक बूंद